कोई बॉल दी हुई है, वो 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है और सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाके वो स्टॉप हो जाती है। हमें डी एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो जस्ट स्ट्राइक, स्टैंड को स्ट्राइक करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है वो मान लेते हैं, वी वन या वी है, ये वी डैश मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन जी के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसके बराबर है। तो एस वी निकालना हमें, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एस। फाइनल वेलोसिटी वी का स्क्वायर इनिशियल तो 0 के बराबर है, टू एक्सेलरेशन जो 9.8 है इंटू 5 इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला। सेकेंड सिचुएशन के अंदर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो किसके बराबर, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v जो है इसके बराबर था, v जो है 2 × 9.8 × 5 इसके बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसी इसकी v के बराबर है, या 2 × 9.8 × 5 इसके बराबर होगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, v डैश जो है 0 है, डिस्प्लेसमेंट जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी 1/10 मीटर है। एक्सेलरेशन निकालना हमें कितना होगा, तो v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 98 रूट का स्क्वायर, 2as की वैल्यू जो है 1/10 है। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 98 अब इंटू 5 इसके बराबर जाएगी। 5 × 8 = 40, 5 × 2 = 45 और 4 × 49 नेगेटिव होगा। ये उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, −490 m/s². जब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट जो है 1/10 है, एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने फार्मूले का यूज करके।